नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो किड्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड LKG। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे इज अवर टॉपिक इज ओपी वर्ड्स। आज हम सीखने वाले हैं ओपी वर्ड्स। नाउ we are going to identify the vowels a e i o u। ek bar fir se repeat karenge a e i o u। hello kids, standard LKG subject english। aaj ka hamara subject hai english। aaj hum english mein sikhne wale hai vowel o se bande op words ko। aaj hum sikhne wale hai vowel o। read and write the op words below। yani ki हमें यहाँ वर्ड्स को रीड करके क्या करना है, राइट करना है। तो पहले हम सभी वर्ड्स को रीड करेंगे। H-O-P हो, H-O-P हो, M-O-P मो, M-O-P मो, T-O-P टो, T-O-P टो। तो किड्स, हमें यहाँ पर फर्स्ट वर्ड यहाँ पर राइट करना है। तो हम वन वर्ड लेटर करके इसको रीड करके यहाँ पर राइट करेंगे। एच, फिर ओ, पी, H-O-P हो। फिर से हम यहाँ पर राइट करेंगे एच ओ पी, H-O-P हो। फिर से हम यहाँ पर राइट करेंगे एच ओ पी, H-O-P हो। फिर से हम यहाँ पर राइट करेंगे एच ओ पी, H-O-P हो। तो हमें यहाँ पर फिर से इस तरह से इस वर्ड को रीड करके राइट करना है। एम ओ पी, M-O-P मो। यहाँ पर हमें फिर से राइट करना है लेटर एम इस तरह से, फिर ओ पी, M-O-P मो। किड्स, हम यहाँ पर फिर से राइट करेंगे एम ओ पी, M-O-P मो। यहाँ पर हम फिर से राइट करेंगे एम ओ पी, M-O-P मो। तो किड्स, यहाँ पर थर्ड वर्ड कौन सा है, T-O-P टो। तो हमें यहाँ पर राइट करना है लेटर टी, लेटर ओ पी, T-O-P टो। इस तरह से हमें यहाँ पर भी राइट करना है टी ओ पी, T-O-P टो। यहाँ पर हमें फिर से राइट करना है टी ओ पी, T-O-P टो। तो किड्स, यहाँ पर हम फिर से राइट करेंगे लेटर टी ओ पी, T-O-P टो। तो किड्स, हमने यहाँ पर कौन से वर्ड राइट किए, वोवेल ओ से बनते ओपी वर्ड्स को हमने यहाँ पर राइट किए। तो किड्स, वन टाइम हम फिर से इसको रीड करेंगे, आप भी मेरे साथ करना। H-O-P हो, H-O-P हो, M-O-P मो, T-O-P टो। तो किड्स, यहाँ पर हमने वोवेल ओ से बनते ओपी वर्ड्स को राइट किए। तो एक बार हम वोवेल को रीड करेंगे, अब भी मेरे साथ करना। ए ई
हमने राइट किया और रीड किया। ओके स्टूडेंट्स, किड्स हमने आगे जो वर्ड्स सीखे वही सभी वर्ड्स को हम यहाँ पर सीखेंगे, बट हम यहाँ पर सी वी सी में सीखेंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स में वो सभी वर्ड्स को फिर से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो किड्स हमने आगे कौन से वर्ड सीखे, हमने आगे सीख वो है तो ओपी वर्ड्स हमने सीखे। तो वोवेल कौन सा लेटर है यहाँ पर, ओ, कौन सा लेटर है ओ, तो ओ से बनते आज हम ओपी वर्ड्स को यहाँ पर फिर से आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने फर्स्ट वर्ड सीखा था वो था एच ओ पी होप, तो यहाँ पर हम रखेंगे एच, एच ओ पी होप, तो लेटर एच है वो है कॉन्सोनेंट्स, लेटर ओ है वो है वोवेल्स, और लेटर पी है वो है कॉन्सोनेंट्स। तो एच ओ पी होप, एक बार फिर से वन वन लेटर रीड करेंगे हम, एच ओ पी होप। तो हम नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे, देखो यहाँ पर एम ओ पी मोप, एम ओ पी मोप, तो देखो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स का लेटर कौन सा है एम, वोवेल्स का लेटर है ओ, और फिर से कॉन्सोनेंट्स का लेटर है पी, एम ओ पी मोप। तो देखो लास्ट में ओ पी वर्ड है कौन सा, सिर्फ यहाँ पर लेटर चेंज हुआ, एच के बाद हमने लेटर रखा वो है एम, एम ओ पी मोप। अब हम नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे वो है, तो किड्स यहाँ पर हम रखेंगे लेटर टी इस तरह से, तो देखो कौन सा वर्ड बना, टी ओ पी टॉप, टी ओ पी टॉप, तो लेटर टी है वो है कॉन्सोनेंट्स, ओ है वो वोवेल्स, और पी है वो है कॉन्सोनेंट्स, टी ओ पी टॉप। अब नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे सी ओ पी कॉप, सी ओ पी कॉप, तो लेटर सी है वो कॉन्सोनेंट्स, ओ है वो वोवेल्स, और पी है वो है कॉन्सोनेंट्स। अब किड्स, तो किड्स आज हमने कौन से वर्ड सीखे, हमने ओपी वर्ड्स सीखे, तो वोवेल ओ से बनते हमने ओपी वर्ड्स को आज रीड किया और पिक्चर्स के साथ उसको आइडेंटिफाई भी किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।